हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सीटेट कंप्लीट सिलेबस की सीरीज में आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीखने के सिद्धांत। सीखने के कुछ नियम होते हैं ये जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे, जो थे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। कुछ मुख्य नियम थे और कुछ गौण नियम थे, कुछ प्राइमरी थे और कुछ सेकेंडरी थे। तो आज हम सिद्धांतों पे बात करेंगे कि सीखने के सिद्धांत क्या क्या हैं। उसके बाद हम ये हमारा लर्निंग वाला टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद हम एक्विजिशन करेंगे यानी अधिग्रहण। अधिग्रहण क्या होता है, सीखना और अधिग्रहण, ये हमारा एक पूरा चैप्टर है। तो सबसे पहले थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। संबंधवाद, ये नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है संबंध। इसमें जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एक होता है थॉर्नडाइक का जो नियम बेसिकली डिपेंड करता है, वो करता है आपका प्रयास एवं त्रुटि के महत्व को। इसमें विशेष महत्व दिया जाता है, वो दिया जाता है प्रयास एवं त्रुटि पे। तो संबंधवाद का सिद्धांत जो होता है, जब किसी भी बालक के सामने या व्यक्ति के सामने कोई विशेष परिस्थिति होती है, ठीक है, तो उसके लिए वो एक विशेष प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। कोई भी विशेष परिस्थिति के लिए वो एक विशेष प्रतिक्रिया प्रदर्शित करेगा। इसी में अगर भविष्य में ठीक उसी प्रकार की उद्दीपक या परिस्थिति होने पर वो व्यक्ति या बालक उसी प्रकार की ही प्रतिक्रिया प्रदर्शित करेगा, इसे ही बोलेंगे हम संबंधवाद की। वो उस संबंध को आगे अपना दर्शाएगा, आगे की जो परिस्थिति होगी या उद्दीपक होगा उसमें वो उस संबंध को दर्शाएगा जो उसने पूर्व में किया होगा। उसके बाद दूसरा जो सिद्धांत है वो है प्रबलन का सिद्धांत। और जो इसके जनक थे या प्रतिपादक थे वो थे CL हल। और जो उन्होंने ये जो नियम दिया था, उन्होंने बेसिकली ये दिया था थॉर्नडाइक और पावलोव का जो दो नियम थे, इन्हीं को सिद्धांत को आधार बनाकर उन्होंने अपना प्रबलन का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक का नियम हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद पावलोव का, आगे मैं इसको नेक्स्ट वाला है वो आपको बताऊंगी, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो अब प्रबलन का सिद्धांत क्या था उसको हम समझते हैं। हल के अनुसार जो था वो सीखने का आधार क्या है, सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस पे बेस्ड आ सकता है कि आवश्यकता की पूर्ति सीखने का आधार है किसके अनुसार है। तो आपका उसका आंसर क्या होगा, प्रबलन के सिद्धांत के अनुसार, या फिर क्वेश्चन अगर इनके मनोवैज्ञानिक के नाम पे पूछा है तो आंसर क्या होगा, CL हल। तो उसमें जैसे इनका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कोई भी जब भूखा पशु होता है वो पिंजरे के अंदर होता है, उसको बाहर भोजन दिखाया जाता है तो वो बहुत बार प्रयास करता है बाहर निकलने का, और अंततः वह एक बार ऐसी कोशिश करता है कि वह बाहर निकल जाता है। तो इससे इनका क्या, इन्होंने जो सिद्धांत निकाला वो क्या निकला कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जब भी आवश्यकता की पूर्ति की जो प्रक्रिया होती है वही सीखने का आधार हो जाता है। अब उसके बाद तीसरा सिद्धांत है हमारा संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ये दिया था आपका पावलोव ने, ये मैंने बताया था। अब इन्होंने पावलोव ने जो बताया कि सीखना एक अनुकूलित प्रक्रिया, इन्होंने आवश्यकता की पूर्ति बताया था हल ने, और पावलोव ने बताया था अनुकूलित प्रक्रिया। इन्होंने एग्जाम्पल दिया था कुत्ते का। अब कुत्ते के एग्जाम्पल में इन्होंने क्या किया था, कुत्ते को एक पिंजरे में बंद कर दिया था। उसके बाद कुत्ते को के सामने ऐसी कंडीशन पैदा कर दी थी कि एक घंटी रखी थी और इधर उसके लिए भोजन रखा था, तो घंटी बजते ही इधर उसके लिए भोजन आ जाता था। तो उन्होंने देखा कि भोजन आने पर कुत्ते की लार आ रही है, ठीक। उन्होंने उसके बाद यही क्रिया बार बार दर्शाई और उसकी लार को एक कंटेनर में कलेक्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक कंडीशन ऐसी आई कि जैसे ही घंटी बजी भोजन नहीं रखा गया, लेकिन घंटी बज गई थी, और तो कुत्ते की जो लार थी वो घंटी बजने पे ही आ गई थी, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई थी कि उसे पता लग गया था कि घंटी बजने पे भोजन आएगा। तो इसलिए ये एग्जांपल से उन्होंने क्या सिद्धांत दिया या क्या अपना एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि सीखना एक अनुकूलित है, अनुकूलन से ही सीखना होता है। उसके बाद चौथा है स्किनर का सिद्धांत। B.F. स्किनर ने इसको दिया था। उसके बाद इन्होंने अभिप्रेरण पे अपना सिद्धांत जो है वो बेस्ड किया था, और इन्होंने बोला था कि किसी अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने का आधार है। इनका जो सीखने का आधार था वो अभिप्रेरण था। अब इन्होंने जो एग्जांपल दिया, इन्होंने एक बक्सा था उसमें एक लीवर रखा हुआ था और उसमें एक चूहे को बंद कर दिया था। तो जैसे ही चूहे का पैर लीवर पे पड़ता था तो खट की आवाज आती थी और चूहे को भोजन मिल जाता था। तो भूखा होने पर चूहा लीवर को दबाने लगता था, तो बार बार उसको ऐसे में पता चल गया कि
उसने अपना एक रास्ता ढूंढ लिया था कि खट की आवाज आने पर उसे भोजन मिल रहा और उसे लीवर का भी रास्ता मिल गया था। तो इससे उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी क्रिया के बाद कोई भी बल प्रदान करने वाला जब उद्दीपक उसको मिलता है तो उसमें सीखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि उस क्रिया की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। अब जो लास्ट हमारा सिद्धांत है वो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस सिद्धांत से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसके जो प्रतिपादक थे या जनक थे वो थे वर्धमान, कोप्पा या कोहलर। तो मोस्टली जो ये बेस्ड है ये इसमें जो एग्जाम जो ज़्यादातर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है तो वो कोहलर के नाम से ही पूछा जाता है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था इनके अनुसार हम स्वयं करके या देखकर सीखते हैं, परंतु कई बार हम बिना बताए अपनी अंतर्दृष्टि से भी उस कार्य को सीख लेते हैं। अब इन्होंने जो एग्जांपल दिया था चिंपैंजी का दिया था। इन्होंने क्या किया कि एक बंद कमरे में एक चिंपैंजी को बंद कर दिया था और ऊपर इन्होंने केले लटका दिए थे। तो जब चिंपैंजी बार बार उन केलों को देखता और कोशिश करता कि उनको प्राप्त कर ले, लेकिन जब वो असफल रहा तो उसने साइड में देखा कि कुछ सीढ़ियां और कुछ असल लकड़ी के बॉक्सेस वहां पे थे। तो उसने चिंपैंजी ने खुद उन बॉक्स को एक के ऊपर एक रखने की कोशिश करी और वह जो था केलों को उसने प्राप्त कर लिया। तो इससे क्या पता चला कि उसने अपनी स्वयं की इनसाइट से अंतर्दृष्टि से उन केलों को प्राप्त कर लिया। उसको किसी ने सिखाया नहीं या उसने कहीं से देखा नहीं, उसने खुद की थ्योरी से अंतर्दृष्टि से उसको केलों को प्राप्त कर लिया और उस कार्य को सीख लिया। तो ये हमारे आज जो थे सिद्धांत थे सीखने के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है अधिग्रहण यानी इक्विजिशन उसको आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड लक फ्रेंड्स, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।